हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक दंपति इरफान पठान पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बहू और इरफान पठान के बीच गैर संबंध है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसको आई लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मगर अब उस केस में एक नया ट्विस्ट आया है, उन्हीं दंपति का दूसरा वीडियो भी सामने आया है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं diladdu.com। मगर आगे बढ़ने से पहले आप उनका ये दूसरा वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इब्राहिम मिया है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में से कॉन्स्टेबल तरीके रिटायर हुआ हूँ। अभी अहमदाबाद जुआपुरा विस्तार में मैं रहता हूँ और तारीख 5/5/21 के रोज जो मैंने मेरे लड़के की बहू और इरफान क्रिकेट भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान भाई के विरुद्ध अफेयर का जो वीडियो वायरल किया था वो मैंने मेरी गलतफहमी के हिसाब से मेरी गलतफहमी हो गई थी उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था और वो उसके अंदर मैंने तपास करी तो इरफान भाई बेगुनाह है, उनको खबर भी नहीं है ये चीज़ की और ये बिल्कुल बेगुनाह होने के हिसाब से मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, इरफान भाई से भी, उनके चाहने वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ। इरफान भाई मुझे माफ़ कर दो और ये वीडियो मैं कोई के दबाव में आके नहीं बनाता हूँ, मेरी फैमिली की सम्मति से बनाता हूँ, भाई मुझे माफ़ कर दो भाई। हमने थोड़ी जानकारी और जुटाने की कोशिश की मगर अभी तक कुछ भी बाहर नहीं निकल सका है फिलहाल तो। हालांकि इस वीडियो में दंपति ने साफ कर दिया है कि वो इस वीडियो को अपने परिवार की सहमति से बना रहे हैं और वो इरफान पठान से माफ़ी भी मांगते दिख रहे हैं। मगर आपका क्या राय है इस दूसरे वीडियो पे? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि हम ऐसे ही रोचक जानकारियां लेकर आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।